let me take up the question and answers. Okay, so let me take up question and answers. Sir, when you called my name, I was not allowed to unmute. Okay, but at least you will have your camera on. Camera on, Lalit Latika Vora ji. You know, आपका camera on कर दिए. अभी भी आप अगर है, तो आप अपना camera on करके आइए सामने. Question पूछिए directly. You know, I can take you now again. Not to worry. Rakesh Sharma ji, do you want to ask any questions, sir? As you had raised question about flagship Astro Vastu or something. Yes, sir. Please unmute everyone. Hello. Yeah, please go ahead. सर मैंने एक्चुअली वो लेकर एंटीना वाला कोर्स भी लिया है, फ्लैगशिप वास्तु वास्तु भी आपका लिया है, और केपी एस्ट्रोलॉजी वाला किया है, उसमें मैंने किया है, तो आज वाला जो कोर्स है वो मुझे करने की जरूरत है या उसमें ये पूरा अलग एंगल से हमने इस पे पूरी बात की है, तो ऑलरेडी अगर फ्लैगशिप एस्ट्रो वास्तु लिया है ना, तो ये तो आपको एकदम और भी हेल्प करेगा फिर. ओके ओके, बिकॉज़ इसमें द वे ऑफ लुकिंग टू अ चार्ट इज इन अ टोटली डिफरेंट एंगल. देयर वी आर एडिंग रेड बुक, लाल किताब की जो कुछ चीजें हैं वो हमने इसमें ऐड की है, तो इट विल हेल्प, इट विल हेल्प यू. ओके सर, ओके, थैंक यू सर. एंड एट प्रेजेंट यू आर गेटिंग इट एट अ वेरी यू नो नट सेल प्राइस, है ना, ये प्राइस आपको कल नहीं मिलेगी. जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है, मैं करता हूँ फिर. हाँ, क्योंकि फ्लैगशिप एस्ट्रो वास्तु कोर्स जो है हमारा, यू नो, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड फॉर 14,000 समथिंग प्लस, ओरिजिनल प्राइस उसकी भी अराउंड 30,000 है, बट एट प्रेजेंट एवरी कोर्सेज ऑफ आवर्स इज रनिंग एट अ डिस्काउंट. लेकिन यही सेम कोर्स आपको अभी, you know, in India itself are running for above 37,000 rupees Astro Vastu course ki agar main baat karu to. Okay, so if people who know value, you know, they take up our courses because we are giving them less than 50% discount, even less than 50%, you know, more than 50%, not less, more than 50% discount pe hamare abhi courses available hai, aur ye aur kuch hi din honge, once, you know, the Navratri and all starts and everything is normalized, because abhi covid ke karan, you know, we have reduced so that people, you know, ghar pe hum baithe hain to aapko uska benefit mile, because kafi time incomes nahi hai, you know, jobs mein issues hai, so we want you to take the benefit, and people who know have taken benefit and have taken not one but many of our courses. Okay, so yes, we start now. सर इसमें कार्ड से पेमेंट में लिंक आप मुझे मेरे व्हाट्सएप में, अभी हमने जो लिंक भेजा है ना वो इंस्टा मोजो का है, तो आई थिंक विद दैट यू कैन डू विद कार्ड. आई थिंक ओनली यू हैव टू ऐड द परसेंटेज ऑफ द कार्ड दैट दे टेक, दैट्स ऑल, यू नो, अराउंड इट मे बी अराउंड 4.5% दैट दे चार्ज इंस्टा मोजो, यू नो, दैट इज व्हाट इज देयर, एंड यू कैन डू द पेमेंट. ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव नाउ ट्राइड टू, यू नो, ऐड इंस्टा मोजो. Because if you want to, you know, payment agar credit card ya debit card se karna hai, so directly you can do that. Thank you, sir. Acha, Rakesh sir, bhai, tell me one thing. If you have gone through the videos, how do you like the way we teach? Come on, tell everyone. If someone is of doubt, you know, let them understand. नहीं सर, बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं, मतलब उसमें वीडियोस भी हैं, पीपीटीज भी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है सर. एंड एवरीथिंग इज पुट ऑन इक्वल, ईच एंड एवरी पीपीटी वी एक्सप्लेन, एंड एंड जैसे आप देखेंगे फ्लैगशिप एस्ट्रो वास्तु कोर्स, आई थिंक मोर देन 125 पीपीटी के हमारे, यू नो, टेम्पलेट्स है उसमें, आई थिंक मोर देन 125. जी सर, जी सर. अगर हमारा पूरा प्रोफेशनल केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स अगर आप लेते हैं, मोर देन 500 पीपीटी स्लाइड से वो कोर्स को हमने डिजाइन किया है. 2 महीने हमको लगे ईच टैबलेट को बनाने में, और मोर देन 500 ईच एंड एवरी पॉइंट को हम उस तरह से एक्सप्लेन किए हैं उसमें. यस, सिमिलरली एवरी कोर्स. यस, मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूं सर आज वाले की. यस यस सर, वेलकम सर, वेलकम. थैंक यू. यस, थैंक यू. एंड लेट मी सी मैरिज डिस्प्यूट. लकी मींस व्हाट इज योर नेम इज लकी, और यू नो इट इज जस्ट यू हैव रिटन इट लकी. एंड कम ऑन फेस. Let me hear from you, sir. What is the marriage dispute? All about. So let me see your face, sir, please. You know, so that actually, I can put it on the software, your issue, and see. Actually, right near, sir. There. So you are really lucky, huh? Yes. मीना जी हाथ रेस करके बैठे हैं. माय गॉड, आपका तो हाथ दुख चुका होगा मैडम.
पर आप यस क्या है आपका ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? वन मिनट लगेगी, आई एम कमिंग बैक. रियली कंसर्न्ड अबाउट माय सन्स मैरिज. मतलब ही इज अबाउट योर सन्स मैरिज. आज क्या मैरिज डे है? नहीं तो ऐसा कुछ है ना, व्हाई मैरिज एवरीवन इज आस्किंग. ओके ओके, लेट मी टेक योर क्वेश्चन बिकॉज़ यू हैव बीन रेजिंग योर हैंड फॉर लॉन्ग. सो वन मिनट, यू नो, सिंपल, विदाउट टेकिंग योर चार्ट, यू नो व्हाट आई विल डू इज, you know, ask through the Prashna Kundli. Let us do it in a different way. You know, through Prashna Kundli. You know, because Prashna Kundli and ruling planets will answer your query. So your query is about your son's marriage. So right. Give me numbers from between 1 to 249. आप बिना numerology किए या सोचे मुझे एक number दीजिए 1 to 249 के बीच में, including 1 to 249. Sir, 15 number. 15, 1 and 5. Yes, sir. Okay. So let me write down case study, you know, marriage. Or aap kahan se hai? Sir, Gurgaon, Gurugram. From Delhi? Yeah, sir, Gurgaon. Okay, Gurgaon, theek hai. Nice. It's Haryana, sir. Yes, yes. Okay. But ye to, you know, 15 numbers he has told me, okay. So I am creating my chart. Okay, let me share the chart. You know, let everyone see the chart. One minute. You know, कई लोगों को लगा कि यहाँ पे कोई chart भी बन नहीं रहा है, you know, और ये कहाँ से answer दे रहे हैं? So let me share the chart. There is a software and there is a chart. So everyone can see the chart? Yes, sir. Okay. Now since she is asking about her child, you know, तो हम क्या करेंगे? कि अभी हम इसको रोटेट करेंगे फिफ्थ हाउस. यस, और अभी के आरपी रूलिंग प्लैनेट्स को देख के सेवेंथ हाउस का कस्प जुपिटर, और आज जुपिटर जस्ट रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुआ है, तो यू आर समवेयर लकी आई कैन से, बिकॉज जुपिटर कहीं आज यू नो रेट्रोग्रेड से जो मैरिज देने वाला प्लैनेट है वो आज ही डायरेक्ट हुआ है, आज ही डायरेक्ट मोशन में आया है. रूलिंग प्लेनेट में भी वो कहीं ना कहीं है. लेट अस सी व्हाट जुपिटर इज टेलिंग. लेट मी सी व्हाट जुपिटर इज टेलिंग. सेवेंथ हाउस सब लॉर्ड इज जुपिटर, एंड जुपिटर इज टेलिंग हियर 12, 3, 5, 8 and 10. सो कहीं ना कहीं वो मैरिज रिलेटेड हाउस यू नो नहीं बता रहा है, कहीं ना कहीं वो मैरिज रिलेटेड हाउस नहीं बता रहा है. लेट मी गो फर्दर एंड इन्वेस्टिगेट मोर. You know, let me get more. So Jupiter is somewhere also, you know, connected with Venus. Even Venus is not directly giving so much. It is there somewhere. It is showing, but connection itna strong nahi hai. So you know, directly the answer jo hai, madam, wo kahin na kahin immediate nahi hai. You know, ki immediate kuch samay mein marriage ho sakta hai. Delay bata raha hai. Abhi ka current ruling planet ka chart. आप मुझे अभी कुछ आइडिया दीजिए कि डिले क्यों हो रहा है या कारण क्या है. सर एक्चुअली ही सेज कि मेरे को शादी नहीं करनी अभी. अब मैडम फिर आप मुझे बताइए, उसका अगर स्ट्रॉन्ग विल मैरिज करने का नहीं है, है ना, तो आप क्या पूरी कायनात उसके साथ अगर होगी, है ना, तो कैसे आप मैरिज कर पाएंगे? रूलिंग प्लेनेट अभी के क्लियर कट है कि वो जो बंदा है उसको अपना करियर बनाना है. इज दैट सो? राइट सर, एक्चुअली ही इज इनटू एलएलएम नाउ. वो उसके लिए फीस भर रहा है. लेकिन बीइंग पेरेंट्स हम लोग तो चाहते हैं, तो ही मतलब वो सेटल हो जाए. अपन से मैरिज ही होने से सेटलमेंट होता है, ऐसा आपको किसने बताया? नहीं, कि अगर मैरिज होगा तो ही उसकी लाइफ सेटल होगी. हाँ लेकिन सर, अगर उसको कुछ बनना है, सी अभी का करंट का चार्ट अगर मैं आपको बताऊं जो रूलिंग प्लेनेट के पास बेस्ड है, आपके यू नो डिजायर के कारण मैंने ओपन किया है अभी का करंट चार्ट, जो एक्चुअल बताता है पोजीशन, वो क्लियर कट बता रहा है कि उसको मैरिज नहीं करना है. वो आप कंफर्म कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ट कंफर्म कर रहा है कि उसको अपना करियर बनाना है, तो प्लीज उसको कुछ टाइम दीजिए, है ना. कितने साल हो गए उसकी, क्या बर्थ डेट है? सर उसकी है 89, 5th October 89. तो अभी कितने साल हुए? इट इज 31. Yeah, he's, he'll be 31 now. हाँ. तो see, अभी क्या है? अगर foreign के context में देखे, तो from 16 years to 99 years, कोई marriage का time period नहीं है. सिर्फ इंडिया में एक साइकोलॉजी है, 22, 32,
अगर ये निकल गया तो कोई मैरिज नहीं हो सकता है ना. सो कम आउट नाउ, दिस टाइम पीरियड हैज चेंज. यू नो इट इज नॉट ओनली दैट मैरिज विल ओनली गिव हिम, यू नो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है आप जबरदस्ती मैरिज कराएंगे फायदा नहीं होगा. और मैं आपको बता दूं कि मैरिज के जो हाउस है 2, 7, 11 है, लिख लीजिए सब लोग. और जो डाइवोर्स के हाउस है वो है 1, 6 and 10. तो अगर जिस बंदे को करियर बनाना है तो उसके लिए भी जो हाउस ऑपरेट होते हैं वो 6th और 10th होते हैं. तो अब आप मुझे बताइए कि जब उसके 6th और 10th इतने स्ट्रांग है, उसको करियर बनाना है, आप अगर उसकी जबरदस्ती मैरिज कराएंगे भी तो भी वो टिकने वाली नहीं है, क्योंकि 2, 7, 11 स्ट्रांग नहीं है, 6, 10 स्ट्रांग है जो उसके करियर को लेके है. आप समझ गए? जो उसके मैरिज को नहीं, डाइवोर्स को लेके जाएंगे. ओके सर, है ना. तो प्लीज टेक द गाइडेंस दैट द यूनिवर्स और द प्लैनेट्स आर गिविंग यू. लेट हिम गो फॉर करियर, ही इज नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना. वो कहीं रॉन्ग तो नहीं कर रहा है ना, कि कहीं वो किसी के साथ नशा कर रहा है ना, कहीं फ्रेंड के साथ गलत काम कर रहा है. नहीं, तो फिर करने दीजिए. अभी करियर वाला ही जमाना है. यू नो करियर होगा, पैसे होंगे तो शादी तो हो ही जाएगी मैडम. राइट सर. तो सर नियर फ्यूचर में फिर लाइक सी अभी का करंट आंसर है तो कम से कम 1-2 साल तो आपका ये आंसर चलेगा. राइट सर. तो इंस्टेड ऑफ यू नो वरिंग अबाउट मैरिज, स्टार्ट वरिंग के यू नो नॉट वरिंग बट रादर स्टार्ट प्रेइंग और गिव पॉजिटिव वाइब्स टू योर सन, है ना, कि जो वो चाहता है फटाफट हो ना, ताकि आप जो चाहते हैं वो फटाफट हो. ओके सर. मेक इट इजी, है ना. क्या होगा अगर पूरी फैमिली मैरिज के लिए बात कर रही है और वो अकेला बेचारा यू नो प्रोफेशन के लिए भाग रहा है तो उसको कितना सपोर्ट मिलेगा. अगर उसके अगर उसके साथ अगर आप लोग जुड़ जाएंगे तो वही उसका काम फास्ट होगा. यू नो कितने लोग मानेंगे इस बात को कि अगर पूरी फैमिली अगर एक ही के लिए अगर हेल्प करे, यू नो पैसे के साथ नहीं पर सिर्फ फिजिकल मॉरल मेंटल सपोर्ट दे, तब भी वो बंदा आगे जा सकता है कि नहीं. राइट सर. ये रेमेडी है मैडम. उसको जेमस्टोन पहनाना, तंत्र मंत्र करना, पूजा करना, ये रेमेडी नहीं है. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जस्ट एक कंसर्न था कि थोड़ा है शादी का हो जाता. नो, लेकिन मुझे समझ आ गया अब ये चीज का. सी, एक तो बात समझिए कि अगर मैं चाहता हूँ ये और आप चाहते हैं ये, है ना, तो दोनों रास्ते ही अगर अलग है तो आप मान किसका होगा, क्या होगा, है ना. वो बेचारा नहीं आगे बढ़ पाएगा, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, फाइनली क्या होगा, जंक्शन पे दोनों खड़े रहेंगे. तो इट इज बेटर एटलीस्ट वन मूव अहेड. थैंक यू सो मच, समझ आ गया सर मुझे ये, क्योंकि एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था. थैंक यू सो मच, आपने इजीली इतना मुझे समझा दिया इस चीज के बारे में. थैंक यू सो मच.